Hi dear students. So now in this video we are going to start from where we left in the previous part. Uh, marvelous use of com frame, center of mass frame, which is part two of uh, of the same series. And uh, जिन भी बच्चों ने part वन नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले I will request all of you जिन्होंने भी part वन नहीं देखा है uh, YouTube पर जाओ search करो marvelous use of com frame part वन विदान टू

उन रिजल्ट्स को जानने से तुम्हें चीज़ें नहीं क्लिक होंगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार तुम उस वीडियो को देख लो तभी इस आज के कंटेंट्स तुम्हें समझ में आएंगे फिर भी एक बार मैं क्विक रिविज़न करा देता हूँ रिविजन मतलब मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या रिजल्ट ड्राइव किए थे मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम का चाहे कैसा भी मोशन हो रहा हो कैसा भी रैंडम मोशन हो रहा हो किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो आता है बहुत ही अमेजिंग इसका हमने यूज किया था लास्ट वीडियो में पार्ट वन में कोलिजन के क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने के लिए एंड लाइक इट वाज अमेजिंग ट्रिक फिर पार्ट सेकंड uh, जो रिजल्ट था वो ये था कि किसी टू ऑब्जेक्ट सिस्टम की मतलब अगर कोई भी टू ऑब्जेक्ट सिस्टम हो तो टू ऑब्जेक्ट सिस्टम की जो काइंटिक एनर्जी होती है उसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या आती है हाफ इंटू Mu into v हम आज सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं वो था कांटिक एनर्जी ऑफ दूजेक्ट सिस्टम इन दी ग्राउंड एनर्जी आती है जिसको हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्ट इज निक एनर्जी इन दी कॉम फ्रेम जो की हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर हो जाएगी प्लस हाफ इंटू टोटल मास

तो ये मास जो है कॉम की स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर अपन ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? मतलब इस रिजल्ट का मतलब ये हो गया, एनर्जी, अगर मुझे किसी भी पार्टिकल हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं हाफ एम वन बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू बी टू स्क्वायर और दूसरा तरीका ग्राउंड फ्रेम में लिखने का ये तो वी आर मोस्टली गोइंग टू यूज द इक्वेशन थ्री टू सॉल्व लाइक अमेजिंग टुडे सो लेट्स स्टार्ट ठीक है है अब जो पहला क्वेश्चन ये बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ठीक है इसको तुमने कैसे किया होगा पहले ये भी मैं बता देता हूँ अगर तुमने अच्छे जे एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करी है तो तुमने इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा इसको तुमने दो वेरिएबल्स लेके किया होगा अब इस क्वेश्चन को आज हम सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री सबसे पहले मैं मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को तुमने कैसे किया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है स्मूथ वेज है ठीक तो है तो बेसिकली स्मूथ वेज ठीक है ये स्मूथ वेज है ठीक है इसकी जो हाइट है मतलब दिस हाइट हैज बीन गिवन एज टेन मीटर्स इसका जो इंक्लिनेशन है वो सिक्सटी डिग्री दिया गया है इसका मास एट के जी है ठीक है तो मैं सिर्फ एट लिख देता हूँ के जी नहीं लिखता ठीक है एट है इट कैन स्लाइड ऑन अ फ्लैट हॉर्जोंटल स्मूथ सर्फेस तो एक मान लिया फ्लैट हॉर्जोंटल स्मूथ सर्फेस बना दी जिस पे स्लाइड कर सकता है एक स्मॉल ब्लॉक है ठीक है तो बेसिकली हियर वी हैव गॉट अ स्मॉल ब्लॉक

बेसिकली जब ये ब्लॉक बॉटम में एक बार वापस से फिगर बना देता हूँ ठीक है तो जैसे कि लेट मी ड्रा दि सिचुएशन वंस मोर जैसे कि मान लो ये ब्लॉक ये वेज एकदम बॉट मतलब ब्लॉक बॉटम पे आ चुका है इन द मीन वाइल वेज की वेलोसिटी कुछ इस तरफ वी वन आ चुकी है ठीक है एंड ब्लॉक हैज कम एट द बॉटम तो ब्लॉक यहाँ पे बॉटम पे आ चुका है और इसकी वेलोसिटी हमने रिलेटिव वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो हमने वी आर रिज्यूम कर ली

वो आएगा एट इंटू वी वन ठीक है दिस इज होगा मैग्नीट्यूड वाइज तभी तो नेट मोमेंटम वेक्टर कैंसिल होगा एक्स एक्सिस पे है ना जितना वेज का राइट में लीनियर मोमेंटम होगा मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही ब्लॉक का लेफ्ट में लीनियर मोमेंटम होगा मैग्नीट्यूड वाइज ठीक है सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से बोल रहा हूँ मैं

तो ये तो हमने VR माना हुआ है वेज के फ्रेम में ब्लॉक की वेलोसिटी को हमने VR माना है तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेज के फ्रेम में ब्लॉक की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है ब्लॉक के ब्लॉक की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वेज के फ्रेम में तो बहुत सिंपल है ये ये VR ऐसे जा रहा था ठीक है और ये हो गई x एक्सिस तो ये एंगल 60 डिग्री था यानी कि VR cos 60 राइट 60 तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दलों को देखेंगे बट इफ यू थिंक केयरफुली तो, तो वेज खुद भी राइट में V1 से चला गया ठीक है तो तुम सोचो ये ब्लॉक वेज के फ्रेम में वी cos 60 लेफ्ट आया बट वेज इसे V1 वन राइट में लेके चला गया तो इफेक्टिवली ये लेफ्ट में कितना मूव किया कैन वी से कि इफेक्टिवली ये VR cos 60 V1 इफेक्टिवली लेफ्ट में मूव किया ठीक है अगर ये बात नहीं समझ में आई तो उसको तुम ऐसे समझ सकते हो बहुत सिंपली तुम ऐसे समझो कि मान लो एक ट्रेन है ठीक है ट्रेन में तुम जो है राइट की तरफ जाते हो 10 मीटर्स ठीक है और ट्रेन ग्राउंड में 5 मीटर चली जाती है ठीक है मतलब मैंने क्या कहा ट्रेन के अंदर ट्रेन के फ्रेम में तुम राइट में गए 10 मीटर्स ठीक है और ट्रेन जो है ग्राउंड के फ्रेम में राइट right में चली गई फाइव मीटर्स तो तुम तुम तो ट्रेन में टेन राइट right में तुम तो ट्रेन में लेफ्ट गए टेन ठीक है तुम ट्रेन में लेफ्ट गए टेन और ट्रेन राइट right में चली गई फाइव तो तुम्हारा ग्राउंड के फ्रेम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टेन लेफ्ट लेकिन तुम्हें ट्रेन फाइव राइट में लेके चली गई तो इफेक्टिवली तुम्हारा फाइव ही तो हुआ लेफ्ट में है ना तुम टेन लेफ्ट चले थे बट

ठीक है इज इक्वल्स टू वी आर बाई टू ये फोर से मैंने इसको कैंसिल कर दिया है ठीक है प्लस बी वन ठीक है यहाँ से हमारे पास आ गया थ्री वी वन इज इक्वल्स टू वी आर विच मीन्स वी आर इज इक्वल्स टू सॉरी वी आर बाई टू विच मीन्स वी आर इज इक्वल्स टू सिक्स वी वन ठीक है नाउ इक्वेशन विल बी एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन की क्या लिखी जाएगी कोर्स देर इज नो नॉर्मल का वगदन जीरो है, friction है नहीं। तो कि uh, जो फोर इन टू जी को लेके चल रहे हैं और एच भी टेन है ठीक है तो ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है इसका थोड़ा सा पार्ट काइनेटिक एनर्जी में ब्लॉक को मिलेगा और रिमेनिंग पार्ट बेच को मिलेगा क्योंकि दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आई है है ना

ठीक है तो और ये हो गया टू ठीक है अब देखो वी एक्स तो हम यही बन जाएगा हमारा वी आर वी वन है ना तो वी आर वी वन बन जाएगा वी आर टू वी वन का आ जाएगा यानी का आ अंडरस्टैंड और वीवाई क्या होगा ठीक है के लिए वापस से अगर मैं तुमसे कहूँ कि वेज के फ्रेम में ब्लॉक की वाई वेलोसिटी क्या है तो वेज के फ्रेम में ब्लॉक की वाई वेलोसिटी है ना वी आर साइन सिक्सटी तो वी आर साइन सिक्सटी है वेज के फ्रेम में अच्छा वेज की जो है खुद की वाई वेलोसिटी है नहीं वेज की खुद की वेलोसिटी है नहीं तो वेज की अगर खुद की वेलोसिटी नहीं है तो अपन बोल सकते थे कितना आ जाएगा वी मतलब जो ग्राउंड जो वेज के फ्रेम में ब्लॉक की वाई वेलोसिटी है वही ग्राउंड फ्रेम में तो वी आर साइन सिक्सटी तो जाएगा वी आर इन टू रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर ठीक है ये आ गया तो अब हमने क्या किया वी आर की वैल्यू सिक्स वन रख दी यहाँ पे दिस विल बिकम फोर हंड्रेड

इज इक्वल्स टू फोर वी वन स्क्वायर प्लस थर्टी वन टू जा सिक्सटी टू सिक्सटी टू वी वन स्क्वायर विच मीन्स विच एक सेकेंड सिक्सटी टू वी वन स्क्वायर तो ये आ जाएगा सिक्सटी सिक्स वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड विच मीन्स वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड बाई सिक्सटी तो अपन बोल सकते हैं कि हमें तो वी आर चाहिए था तो वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी आर की वैल्यू सिक्स को तुम अंदर डाल सकते हो तो हो जाएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड अपॉन इलेवन ठीक है दिस विल बी दी रेड स्पीड ठीक है तो बेसिकली आइडिया देखो इस तरीके से तुमने पहले ही सॉल्व किया होगा इसमें तुमने क्या किया दो इक्वेशन बनाई ठीक है और, और एनर्जी की ठीक है आई होप ये तो मैं आता होगा ठीक है अब इसी क्वेश्चन को नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व बाई अगलिए और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा ठीक है नाउ प्लीज पे लाइक अटमोस्ट अटेंशन ठीक है तो बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है आई एम गोइंग टू यूज थर्ड इक्वेशन दैट वी हैव इन नंबर ठीक है तो ये ब्लॉक कितना नीचे गिरा है टेन मीटर्स ठीक है ये टेन मीटर हाइट थी ठीक है दिस एंगल वॉज सिक्सटी डिग्री ठीक है ये ब्लॉक जो है यहाँ पे अगेन मैंने सिंगल वेरिएबल वेरियबल किया है वी आर का ठीक है सो प्लीज 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 पे अटेंशन टू वट एवर आई एम अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड ठीक है तो अगेन आई विल यूज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली ठीक है मासस मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ इसके फोर के जी थे इसके एट के जी थे ठीक है सो लॉस इन दोटेंशियल एनर्जी कितना है एम जी एच सो एम

इन टू वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अब इसी टर्म को लिखने में दिमाग लगता है ठीक है वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अब सोचो इस फोर के जी और एट के जी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड का स्क्वायर लिखना है हमें है ना तो उसकी जो स्पीड होगी उसको मैं ढंग से समझाता हूँ तो वेलॉसिटी ऑफ कॉम ठीक है उसका एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलॉसिटी ऑफ कॉम उसका वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर ठीक है तो ये बन गया हमारा हमें ये लिखना नाउ इफ यू थिंक केयरफुली वेलोसिटी ऑफ कॉम का तो एक्स में जीरो है क्योंकि में आएगी ही नहीं ठीक है तो थोड़ी देर के लिए अब मैं ना खाली ऑफ कॉम की बात करता हूँ ठीक है मतलब यहाँ पे मैं मतलब तो विलॉसिटी ऑफ कॉम जो है एक्स में तो जीरो है क्योंकि वो तो एक्स में तोम ही कंजर्व था तो, तो आई नहीं अब विलॉसिटी ऑफ कॉम जो वाई में लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है m1 by m1 m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 कैसे लिखी जाती है ठीक है यानी कि 8 into velocity of 8 along y axis वो खुद से जीरो है वेज तो y axis मूव नहीं कर रहा plus 4 into velocity of 4 along y axis ठीक है अब हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ 4 अलोंग y एक्सिस अगर तुमने ध्यान दिया हो तो भी मैंने ऊपर वाले मेथड में भी 4 kg की वेलोसिटी y एक्सिस पे लिखी थी तो फोर के जी की वाई एक्स वेलोसिटी क्या आएगी वापस से अगर तुम ध्यान से सोचो तो वो आएगी वी आर साइन सिक्सटी ग्राउंड फ्रेम में बता रहा हूँ ये मैं कैसे आएगी फिर से मैं बता देता हूँ एक बार भाई अगर हम वेज पे खड़े हो जाए अगर हम वेज पे खड़े हो जाए तो ब्लॉक की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वी आर साइन सिक्सटी है ठीक है दिख रहा होगा भाई वी आर ऐसे था ठीक है तो वी आर का एक्स कॉम्पोन वी आर कॉस्ट सिक्सटी ठीक है एंड वी आर का वाई कॉम्पोन वी आर साइन सिक्सटी ठीक है यानी कि अगर वेज के फ्रेम में ब्लॉक की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? वी आर साइन सिक्सटी वेज खुद वाई एक्सिस मूव नहीं कर रहा यानी कि ब्लॉक की वाई वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी हो गई वी आर साइन सिक्सटी ठीक है तो कितना हो गया वी आर साइन सिक्सटी ठीक है डिवाइड बाई टोटल मास ठीक है आ 60, या गया अब देखो हो गया हमारा क्वेश्चन एक सिंगल वेरिएबल में आया है ठीक है तो बेसिकली ये बन गया फोर हंड्रेड ठीक यह आ जाएगा ठीक है क्स को मैंने जरूर कर दिया वी कॉम बाई कितना आ गया यहाँ से फोर अपॉन ये हो जाएगा 4 4, है ना तो वी आर बाई वी आर रूट थ्री बाई सिक्स ठीक है वी आर रूट थ्री बाई सिक्स और इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा कि वी आर स्क्वायर ठीक है इन टू थ्री ठीक है बाई सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स तो दिस इज वॉट आई एम कटिंग ठीक है तो कितना हो तो जाएगा ये

सो गाइज दिस इज अ वेरी डिमेंडस मैथड दी एक्चुअली ये वाला मैथड बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है लेकिन तुमने कभी देखा नहीं होगा ठीक है इसी मेथड से मैं पाथ फाइंडर के अब दो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ लाइक like, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ऑफ कोर्स पाथ फाइंडर के क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे होते हैं ठीक है तो मैंने उन्हें और अच्छा बना दिया है मॉडिफाई करके उन्हें मैं, मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है ताकि वो क्वेश्चन और जनरल हो जाए और मॉडिफाइड हो जाए तो थोड़ा और डिफिकल्ट बना दिया है तो मैं तुम्हें ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि मैंने उन्हें क्या बनाया है, तो है। जो इक्वेशन नंबर थ्री है, वो होती है इसके मैं और भी यूज दिखाऊंगा इसके पार्ट थ्री में इस वीडियो का पार्ट थ्री भी निकालने की सोची है इसमें पार्ट थ्री में इस इक्वेशन का ये थर्ड इक्वेशन है इसके और भी यूज दिखाऊंगा बहुत ही शानदार शानदार ठीक है सो आई हैव अंडरस्टूड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाथफाइंडर सीरीज का जो कि ये क्वेश्चन है ठीक है पे अटेंशन दिस क्वेश्चन गाइस ठीक है देखो एक बार तो ये वो क्वेश्चन है पाथ पंडर सीरीज का इस क्वेश्चन में लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ठीक है इस क्वेश्चन में ये एक हेमी स्पेरिकल बाउल है जिसका मास एम दिया गया है ठीक है एक्चुअली दिया नहीं गया है बट दोनों दो का दो शायद सेम मास है मतलब ये जो डिस्क है ऊपर एक छोटा सा पार्ट इसका भी मास है है और ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल इसका भी मास M है ठीक है देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर A slight disturbance of small particle causes the system to move उसके वजह से क्या होगा जो बोल है वो तो राइट लेफ्ट वर्ड जाना शुरू हो जाएगा ठीक है और ये जो है जो डिस्क है मतलब जो पार्टिकल है वो पे स्लाइड करना शुरू कर जाएगा आ, तो हमें बताना है कि कौन से theta पे जाके contact loss होगा अब ये क्वेश्चन तुमने जो है एक fixed बोल के लिए जरूर किया होगा सर्कुलर मोशन में fixed केस में जो जैसे कि एक बोल फिक्स हो जाए तो फिर जो है यहाँ से कितने थीटा पे एंगल लॉस होता है ये तुमने किया हुआ नॉर्मल एक्शन जीरो कर देते हैं एनर्जी इक्वेशन क्वेश्चन ठीक थी, है बट अगर बोल भी मूविंग है देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन ठीक है अब मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैंने बोल दिया है कि इन फैक्ट अस ट्राई टू फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फॉर एग्जाम्पल जब ये वो जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया होगा कहीं ठीक है तो जब तक कॉन्टैक्ट मेंटेंड है तब तक नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालो ठीक है ऑफ कोर्स जिस एंगल पे कांटेक्ट uh, लॉस होगा उस एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर देंगे मतलब अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल एन की वैल्यू ठीक है ये जो नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में लग रहा है ठीक है इस एन की वैल्यू जीरो करते ही जो है आंसर जो गिवन क्वेश्चन है पाथ फाइंडर का उसका आ जाएगा ये एन जो है जो कि पार्टिकल uh, पे लग रहा है वो इस तरफ लगेगा ठीक है और और जो बोल पे लग रहा है वो उसके उल्टी तरफ लगेगा बोल पे दी सेंटर लगेगा ठीक है और पार्टिकल पे अवे फ्रॉम दी सेंटर लगेगा ऐसा होगा ठीक है तो सबसे पहली इक्वेशन तो जो है मैं बोल पे बनाता हूँ इसमें एक बार वापस ना फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे ठीक है तो मैं जो है सबसे पहले ये एक मान लिया हमारा बोल हो गया ठीक है तो लेट अस से कि जो पार्टिकल है वो थीटा तक स्लाइड कर चुका है ठीक है एंड अभी भी कॉन्टैक्ट मेनटेन्ड है ठीक है सो वी आर कॉलिंग दिस एंगल थीटा राइट ऑफ कोर्स इन द मीन वाइल जो वेज बोल है इसका एक्सलेशन आ चुका होगा कुछ ठीक है इस एक्सलेशन को ए वन बोल देते हैं राइट right? तो जो वेज uh, पे यानी बोल पे बोल जो है बोल पे हॉर्जोंटल डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो इसी नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट है ऑफकोर्स ठीक है तो वी कैन से जैसे ये हॉर्जोंटल एक्सिस हो गई तो ये वाला एंगल नाइनटी माइनस थीटा हो जाएगा

रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल एज सीन फ्रॉम दी बोल, तो बोल मतलब तो की जो रिलेटिव स्पीड है वो वी आर आ चुकी है जब यह थीटा से रोटेट हो चुका है ठीक अब जो ऑब्जर्वर बोल पे खड़ा होगा उसको सर्कुलर मोशन करता दिख रहा है तो वो ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लगाएगा ठीक है मैं यहाँ पे अलग से वो पार्टिकल बनाता हूँ एक बार और उसे फोर्स दिखाता हूँ तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा जा रहा होगा ठीक है फिर इस तरफ एक सीडो फोर्स जारी होगी ठीक है एम ए वन ठीक है और एक नीचे की तरफ एम जी जा रहा होगा सो दीज आर द्री फोर्सेज विच विल बी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल ठीक है ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये एंगल वापस से थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं ठीक है तो ये एंगल जो है हमारा थीटा हो गया राइट तो अब वी कैन से दैट कि इन सारे फोर्सेस की प्रेजेंस में इसके ऊपर अगर, अगर अपन सेंट्रीबिटल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखें तो एम जी का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा ठीक है एम जी कॉस थीटा माइनस जो सीडो फोर्स का कॉम्पोनेंट आएगा वो एम ए वन साइन थीटा आ जाएगा ठीक है और एक नॉर्मल रिएक्शन ठीक है दिस विल बी इज इक्वल्स टू नेट सेंट्रीबिटल फोर्स विच इज एम वी आर वी रेटिव स्क्वायर बाई आर क्योंकि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं वो वेज वो बोल के फ्रेम में हो रहा है तो बोल पे खड़े हुए इंसान को ऐसा जो है वी आर की रिलेटिव स्पीड दिखाई पड़ रही है ठीक है नाउ वन मोर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड विच इज ना यू कैन सी देर आर थ्री वेरिएबल्स ए वन एन एंड वी आर ए वन एक वेरिएबल आ चुका है एन एक वेरिएबल आ चुका है और वी आर तो एक इक्वेशन और चाहिए वो इक्वेशन होगी एनर्जी की ठीक है अगेन आई एम गोइंग टू राइट द एनर्जी इन द सेम मैनर द वे आई एम राइटिंग थर्ड इक्वेशन जो हमने लिखी थी उसको यूज करके तो लॉस इन दी पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है तो जो पार्टिकल था वो बेस के पर्सपेक्टिव से पहले आर हाइट पे था ठीक है और अब आर कॉस थीटा हाइट पे है ठीक है मतलब ये डिस्टेंस अब आर कॉस थीटा हो गई है ठीक है वी कैन से कि वो आर माइनस आर कॉस थीटा नीचे आया हैंस वी कैन से कि एम माइनस आर कॉस्टा मतलब आर इन टू वन माइनस कॉस्टा दिस इज दॉस इन दोटेंशियल एनर्जी विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दाइटिंग एनर्जी ऑफ दैज सॉरी बोल प्लस पार्टिकल ठीक है तो जो अब मैं बॉल प्लस पार्टिकल की काइंडिंग एनर्जी को ऐसे लिखूंगा हाफ म्यू वी रेडिव स्क्वायर प्लस हाफ एम वी कॉम स्क्वायर तो हाफ इन टू इसका रिड्यूज मास कितना होगा एम बाई हो जाएगा ठीक है क्योंकि एम इंटू एम डिवाइड कितना होगा एम बाई टू इन क्या होता है

और एक्स में कोई भी फोर्स नहीं आया यानी कि बेसिकली वी कॉम एक्स स्क्वायर अगेन जो है जीरो होने वाला है ठीक है फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि यू शुड नॉट गेट लॉस्ट ठीक है तो ये वाला टर्म जो है वी कॉम एक्स स्क्वायर क्या होगा जीरो हो जाएगा नॉ लेट्स लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट वी कॉम बाई तो वी कॉम बाई कैसे लिखा जाएगा अगेन कैपिटल मास लाइक एम इंटू वेलॉसिटी ऑफ बोल इन बाई डायरेक्शन वो जीरो है प्लस एम इंटू वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल इन बाई डायरेक्शन पार्टिकल की वाई वेलोसिटी क्या है ध्यान से सोचो तो जैसे कि अगर तुम ध्यान से सोच रहे हो तो ये एंगल थीटा है ठीक है ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा आएगा हेंस इट इज वी आर साइन थीटा ठीक है वी आर साइन थीटा ठीक है पार्टिकल की वेलोसिटी वेज के बोल के फ्रेम में बोल के फ्रेम में वी आर साइन थीटा है वाई एक्सिस पे बोल वाई एक्सिस मूव कर नहीं रहा दैट मीन्स पार्टिकल की वाई वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में भी कितनी होगी गई वी आर साइन थीटा ठीक है तो हमने कैसे लिखा एम इंटू जी एम इन टू ऑफ बोल इन बाई एक्सिस प्लस एम इंटू वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल इन बाई एक्सिस डिवाइड बाई एम ठीक है ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी तो ये तो बेसिकली कितना आ जाएगा वी आर साइन थीटा बाई टू आ जाएगा ठीक है तो अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं ये एम ये एम ये एम कैंसिल ये टू से टू कैंसिल ठीक है यहाँ पे क्या आ गया जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा दैट शुड बी इज इक्व टू अभी बेसिकली जो हमने क्वेश्चन किया ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये नॉर्मल एक्सने से फंक्शन ऑफ थीटा निकालना आसान काम नहीं था बट इस एक सिंगल इक्वेशन ने क्वेश्चन को काफ़ी रिड्यूस कर दिया ठीक है, है v कॉम x 0 है ठीक है और v कॉम y के लिए कितनी है vr sin थीटा बाई टू दैट मींस इट विल बिकम vr स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ठीक है sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास दैट मीन्स यहाँ से वी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है फोर जी आर फोर को अपन लेफ्ट लटे चले जाते हैं इंटू वन माइनस कॉस थीटा ठीक है डिवाइड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गई हमारे पास वी आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया ठीक है अब तुम इक्वेशन नंबर जैसे इस, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं ठीक है नाउ इफ यू सी केयरफुली इक्वेशन नंबर टू में एम जी कॉस थीटा तो वैसे के वैसे लिखो लो ठीक है इक्वेशन नंबर टू को देखो ठीक है M, M तो ये एम एवन की वैल्यू एन साइन थीटा लिख लो ठीक है ये M e तो M की लिख लो इक्वेशन वन से तो तो एन साइन थीटा आएगा और एक साइन थीटा ये भी है तो यानी कि बन जाएगा ये, ठीक है माइनस एन पहले से आर स्क्वायर ठीक है तो वी आर हमें जो भी हमने डराइव किया ये मिल जाएगी तो विच इज़ फोर जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन प्लस साइंस स्क्वायर थीटा यू कैन सी कि हमने नॉर्मल रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लिया है जो ऑफकोर्स बहुत ही हॉरिबल सा एक्सप्रेशन आ रहा है बट डजेंट मैटर हमें फिजिक्स में सुंदर आंसर की दरकार नहीं होती फिजिक्स में कभी भी आंसर गंदे भी आ सकते हैं तो ये एक गंद गंदा सा आंसर है बट कहने का मतलब कितना यू कैन सी कितना अच्छा क्वेश्चन जो है जो हमने इजिली सॉल्व कर लिया उस इक्वेशन की मदद से ठीक है तो बाई द वे इसको अगर अपन तमीज से लिखें तो ये क्या बन जा रहा है एम जी थीटा माइनस फोर एम जी इन टू वन माइनस कॉस्थीटा डिवाइड बाई वन प्लस स्क्वायर थीटा दिस होल डिवाइड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा सो यू कैन सी दिस इज आंसर फॉर नॉर्मल एक्शन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा ठीक है अब अगर जैसे पाथफाइंडर वाला सवाल सॉल्व करना होगा तो ऑफकोर्स जिस भी एंगल पे कॉन्टैक्ट लॉस हुआ होगा उस एंगल पे नॉर्मल एक्शन जीरो हो चुका होगा ठीक है तो अपन इसी में जो है नॉर्मल एक्शन को अगर ज़ीरो कर देंगे तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो नहीं सकता तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को तो जीरो कर देते हैं ठीक है ऑफकोर्स देखो पाथ फाइंडर वाला क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना है तो वो इससे इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा ठीक है बट लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किया है ठीक है ये दिखाने के लिए कि अगर अगर हमें नॉर्मल से फंक्शन ऑफ थीटा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं अगर सिर्फ यही निकालना है कि किस एंगल पे कॉन्टैक्ट लॉस होगा देन ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस ठीक है ये हमें निकालने की जरूरत नहीं डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे ठीक है उस केस में जो है अपन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बट अगेन मेरा था कि एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा के मतलब थोड़ा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना के अब जो है वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जो पार्क फाइडर में दिया गया है ठीक है अगेन लेट मी डेल्यू फाइंडर का सिर्फ अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो फिर मुझे ये सब निकालने की जरूरत नहीं है मतलब कि मैं नॉर्मल निकाल लूँ और फिर उसमें इनको जीरो करूँ ऑफकोर्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दैट विदाउट लाइक विदाउट गोइंग इन टू ऑल थिंग्स अपन उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इनफैक्ट इट वुड बी अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर यू टू सॉल्व दैट उसमें तुम्हें तो हिंट देता हूँ कि तुम इसी क्वेश्चन में जाओगे ना तो देखो जिस समय कॉन्टैक्ट लॉस हुआ होगा उस समय वेज के ऊपर सॉरी बोल के ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल कॉन्टेक्ट लॉस हो चुका होगा तो सिर्फ मतलब यहाँ से एन बी जीरो जो पहली इक्वेशन है मतलब इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एन साइन थीटर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एम जी कॉस्ट थियटा बाई आर आएगा और थर्ड इक्वेशन जो मैंने बनाई है उसको एज इट इज बना बनाना बस इससे ही क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा ठीक है इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मतलब बेसिकली एन वैल्यू स्टार्टिंग से जीरो ज्यूम करके चल लो तो से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा तो इट इट विल बिकम वेरी इजी ठीक है इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जो हमने किया है बट अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का एक अलग ही मजा है एनीवे वे तो अब अपन जो है अगर अपने को आंसर निकालना है तो अपन देखते हैं इसमें इनको अपन जीरो करते हैं ठीक है तो यहां से क्या आ गया देखो mg cos कॉस्थीटा की वैल्यू आ गई फोर एम जी इंटू वन ठीक है डिवाइड बाय 1

ठीक है इज इक्वल्स फोर माइनस फोर कॉस थीटा ठीक सो दिस विल बिकम कॉस क्यूब थीटा माइनस सिक्स कॉस थीटा प्लस फोर, तो जीरो, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई ठीक है अब वैसे तो इस क्यूबिक को सॉल्व करने का मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है कार्डोनोज मेथड कार्डोनोज मेथड यूज करके इस क्यूबिक को सॉल्व किया जा सकता है इसका आंसर आता है कॉस थीटा की वैल्यू रूट थ्री माइनस वन ठीक है कार्डनोज मैथड से ठीक है बट देखो वो कार्डोनोज मैथड जो है ना वो तुम्हें जेई सिलेबस के बाहर है ट्वेल्थ लेवल की फिजिक्स के बाहर है ठीक है वो हाइयर मैथमेटिक्स में जो है आ, पढ़ाया जाता है ठीक है मतलब अगर तुम आगे इंजीनियरिंग में अपनी मैथ्स सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे तुम्हें तो मेथड में क्यूबिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना सिखा देंगे सिखाएंगे ठीक है इस क्यूबिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बट अभी ये ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स और आई टी की मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस से, से भी बाहर है यू कैन चेक इसमें वैल्यू रूट माइनस डालोगे तो सैटिस्फाई कर जाएगी यार क्यूबिक ठीक है तो जैसे मान लो जई को ये सवाल पूछना होगा ना तो वो क्या कहेंगे वो बोल देंगे कि इफ द कॉन्टेक्ट वॉज लॉस्ट एट एन एंगल थीटा जैसे वो इस क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बताता हूँ तुमसे क्यूबिक नहीं भी सॉल्व करवाएंगे फिर भी इस क्वेश्चन को पूछ कैसे पूछेंगे इफ दी कॉन्टेक्ट वॉज लॉस्ट एट एन एंगल एट एन एंगल थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स कॉस्टा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या पूछ लिया सिक्स कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इसकी वैल्यू निकाल दो तो यार यहाँ से दिख रहा है सिक्स कॉस्थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी फोर आ जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा समझ में आ गई बात तो मतलब उन्होंने क्यूबिक बिना सॉल्व करवाए भी तुमसे पूरी फिजिक्स पूछ ली वैसे भी ये तो हमने फिजिक्स वाइज तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया है ठीक है ये तो क्यूबिक सॉल्व करना तो मैथमेटिक्स के डोमेन में सवाल आ गया और इसको भी जैसे मैंने कहा सॉल्व करने का तरीका होता है कार्डनोज मैथड बट अगेन लाइक वो वो एक सेपरेट चीज हो गई वो हमें पढ़ना भी नहीं है तो आई होप यूड अंडरस्टूड द फिजिक्स पार्ट ऑफ इट एंड रियली रियलीड दैट तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज जो कि अगेन इट इज अ मार्वलस क्वेश्चन एंड आई एम श्योर वेल ठीक है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है ठीक है यू कैन सी दिस क्वेश्चन ठीक कैन सी दिस क्वेश्चन इसको भी हम मैंने मॉडिफाई कर दिया है ठीक है तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये एक मास uh, है ठीक है जिसकी वैल्यू टू के जी है और दो स्मॉल मासज हैं वन वन के जी के और जो इनको एक स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग है इसकी लेंथ पॉइंट फाइव सेंटी पॉइंट फाइव मीटर है और वैसे ही इस स्ट्रिंग की लेंथ भी पॉइंट फाइव मीटर है अब ये पूरा सिस्टम एक स्मूथ हॉर्जोंटल प्लेन पे है ठीक है और हमने इस बीच वाले मास को एक ऊपर की तरफ मतलब ऊपर मतलब नॉट इन दर्टिकल डायरेक्शन हॉर्जोंटल प्लेन में ही वाई एक्सिस मान लो ये हॉर्जोंटल प्लेन में ही वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने टू मीटर पर सेकेंड की जो है वेलोसिटी दे दी ठीक है तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब ये दोनों पार्टिकल्स ठीक है जो इनको डिस्क कहा जा रहा है सिस्टम के अंदर जो दोनों डिस्क हैं ये जब टकराने वाली होंगी तो थ्रेड में कितना टेंशन आएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया था ठीक है काफी इजी क्वेश्चन है मतलब ये मतलब काफी इजी नहीं कहूंगा मतलब लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है ये हो जाएगा मतलब इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगना पड़ेगा बहुत ज्यादा ठीक है लेकिन क्वेश्चन अच्छा तब बन जाता है जब मैं इसी को एक जनरल थीटा पे सॉल्व करूँ मतलब मैंने जो क्वेश्चन मॉडिफाई किया है ठीक है वो क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई कर दिया है मैसे समझो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जब ये दोनों देखो जब ये दोनों डिस्क ऐसे हो जाए मतलब ये वाली लेफ्ट वाली यहाँ पे पहुँच जाएगी और राइट right वाली यहाँ पे पहुँच जाएगी तो उस इंस्टेंस पे ऑफकोर्स उस समय जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो भी कुछ मूव कर रहा होगा ठीक है तो उस इंस्टेंस पे थ्रेड्स ये जो थ्रेड्स आएंगे इसमें टेंशन बताओ ठीक है अब मैंने क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर दिया है कि जैसे मान लो कि जब जो ऊपर वाला मतलब ये थ्रेड कभी ऐसा हो गया और वैसे ही ये थ्रेड कभी ऐसा हो गया सिमेट्रिकली ये दोनों ऐसे लोकेट हो गए ठीक है तो जो है इस समय ये थीटा जब एंगल बना रहा है तो ऑफ uh, कोर्स हमें बताना है थ्रेड में टेंशन ठीक है अब देखो रियलिटी में क्या होगा रियलिटी में जैसे अपन जाए थोड़ा ऊपर एनालाइज करें सिस्टम को तो जब हम ने इस वाले पार्टिकल को बीच वाले पार्टिकल को हमने जब स्पीड दी तो उसकी वजह से क्या होगा इसमें टेंशन डेवलप होगी ठीक है क्योंकि इसके फ्रेम में जो दोनों पार्टिकल्स हैं छोटे वाले ये वाला एंड ये वाला ये सर्कुलर मोशन ही कर सकते हैं ठीक है थीके? बीच वाले के फ्रेम में जो छोटे वाले दोनों पार्टिकल हैं सर्कुलर मोशन ही कर सकते हैं तो वो टेंशन आना मैंडेटरी हो जाएगा टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन जो है स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो अपन बोल सकते हैं कि जो है सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे ठीक है बीच वाले के फ्रेम में ठीक है तो हमें टेंशन निकालना है ठीक है एज एज ए फंक्शन ऑफ थीटा ठीक है तो जो गिवन पाथ फाइंडर का आंसर है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन मतलब वो तो डायरेक्टली बहुत ईजी हो जाएगा बट मैं उसको थोड़ा डिफिकल्ट बना के उसके बाद मैं तुम्हें चेक कराने के लिए अपने क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू जरूर डाल दूंगा थीटा की जी वैल्यू जरूर डालते ही वो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा जो पाथ फैंडने वाला सवाल है ठीक है तो अगेन नाउ लेटर्स से इसमें अपन देखो ऑब्जर्व क्या क्या कर सकते हैं जो स्क्रीन का प्लेन है वो एक हॉर्जोंटल प्लेन है ठीक है इसको इनिशियल लॉस्टी हमने जो दी थी वो टू मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ दी थी ठीक है मतलब कि बाईक्स के ना इसको मैं मतलब बेसिकली थोड़ी तो देर के लिए वाई एक्सिस मान लेते हैं ठीक है और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं राइट तो स्क्रीन प्लेन में हमने जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग दी थी इसको ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना ठीक है ये जो बीच वाला पार्टिकल है ठीक है इसका मास टू के जी है बीच वाले का पार्टिकल जो बड़ा वाला पार्टिकल इसका मास टू के जी है ठीक है इसको सिस्टम को मैं ऐसे परसीव कर रहा हूँ ध्यान से समझना ठीक है मैं इधर बनाता हूँ लेफ्ट साइड भी इधर बनाता हूँ ठीक है ये एम ठीक है

तुम सिर्फ एक सिस्टम को देखो मतलब कि सिर्फ एक चाहे कि लेफ्ट वाले को देखो लाइक like, सिर्फ ये वाला जो लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन है इसको देख लो ठीक है तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि जो मैंने कैपिटल एम था ना ये कैपिटल एम ठीक है उसको मैंने दो स्मॉल एम्स में ब्रेक करके मैं परसीव कर रहा हूँ सिस्टम ठीक है बेसिकली क्या हो रहा होगा बेसिकली जो है जब ये एंगल जो थीटा है ठीक है ये एंगल जो थीटा बन चुका होगा ठीक है

ये क्लैरिटी आ गई यहाँ तक ठीक है अब जो है फिर से इक्वेशन लिखी ठीक है तो ध्यान समझो इनिशियल सिचुएशन क्या थी ये इसको मैंने ब्रेक कर दिया वापस ठीक है तो इसकी स्पीड ज़ीरो थी और हमने इस आधे हम को भी मतलब जब पूरे पार्टिकल को ही दो मीटर पर सेकंड की स्पीड मिली है ठीक है तो आधे आधे को भी दो दो दो, दो की मिलेगी ठीक है तो इनिशियल क्रंटिक एनर्जी ऑफ द लेफ्ट पोर्शन क्या है, है हाफ इंट स्मॉल एम विच इज़ वन ठीक है इसका भी मास स्मॉल एम हो गया ठीक है और इसका भी मास स्मॉल एम हो गया ठीक है तो हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू जो है यू स्क्वायर यू स्क्वायर की ठीक है दिस विल बी एनर्जी लेफ्ट एनर्जी लेफ्ट कैसे लिखा जाएगा हाफ म्यू व्यू रेटिव स्क्वायर म्यू क्या हो गया अगेन एम बाई टू आ जाएगा म्यू ठीक है यानी कि एम के वैल्यू है तो हाफ इंटू वी रेटिव स्क्वायर ठीक है प्लस हाफ टू टोटल तो तो uh, मास ऑफ द लेफ्ट कॉम्बिनेशन विच इज टू एम ठीक है इन टू एम केलो तो ही है ठीक है तो एम के वन ही डाल देते हैं हाफ इंटू टू इन टू ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर अब वेलॉसिटी लिखना मैंने कहा है मास लिखने में ही दिमाग लगता है ठीक है तो अगेन फिर से यहाँ पे वी सी वी कॉम का एक्स स्क्वायर ठीक है वी कॉम का एक्स स्क्वायर प्लस वी कॉम का वाई स्क्वायर ठीक है तो इसको लिखने में दिमाग लगेगा काफी ठीक है तो उसको ध्यान से समझते हैं कि इसको कैसे लिख रहा मैं ठीक है सबसे पहले जो है विकॉम एक्स कैसे देखते हैं मैं वापस से इसी पे खड़ा हो जाता हूँ ठीक है इस वाले पार्टिकल पे मैं खड़ा हो जाता हूँ ठीक है पहले बताओ अगर इस पर खड़े हो गए तो ये तो रुक गया कोई भी चीज़ अपने फ्रेम में मूव नहीं करती तो ये अपने फ्रेम में रुक गया ठीक ठीक है तो अगर ये अपने फ्रेम में रुक गया वैसे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था क्राउन फ्रेम से ठीक है मतलब बाइक से इसके लॉन्ग जा रहा था ठीक है तो ये रुक गया ठीक है अब इसके फ्रेम में सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे ये समझ में आता है जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें तो ठीक है जैसे कि ये स्मॉल एम हो गया ठीक है और ये ऐसा है ठीक है ये नीचे वाला एम हो गया ठीक है तो जो ये वाला एम है ये एल रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ठीक है जो ये वाला पार्ट है ये छोटे रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा वैसे ही सेंटर ऑफ मास जो है वो एल रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा कैन यू फील दिस ऊपर वाले एम के फ्रेम से सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ठीक है ओमेगा सारे पॉइंट्स की सेम है क्योंकि सेम ही मतलब स्ट्रिंग है एक ही स्ट्रिंग है जो घूम रही है तो उस स्ट्रिंग का जो भी ओमेगा है वही सारे पॉइंट्स का ओमेगा है चाहे इस पॉइंट की बात करो चाहे सेंटर ऑफ मास की बात करो तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास ठीक है तो इसका मतलब ये समझ आया कि ओमेगा सबका सेम है और सेंटर ऑफ मास का रेडियस एल बाई टू है देयर फोर वी कैन से दैट कि सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड आएगी ऊपर वाले के फ्रेम में वो वी आर बाई टू आ जाएगी न यू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि ओमेगा सेम है और लेंथ आधी हो गई ठीक है तो हमने क्या समझ लिया कि जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है ठीक है सेंटर ऑफ मास की स्पीड ऊपर वाले के फ्रेम में केयरफुल वो आ गई वी रिलेटिव ठीक है अपॉन ठीक है नाउ इफ यू सी ये एंगल थीटा है ठीक है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो क्या हो गया वी आर बाई टू कॉस थीटा ठीक है ऊपर वाले के फ्रेम में ठीक ऊपर वाले के फ्रेम में वी आर बाई टू कॉस थीटा होगा ठीक है अब ऊपर वाला तो खाली एक्सिस मूव कर रहा है इसका मतलब भी भी यानी कि हमने वी कॉम एक्स की वैल्यू निकाल ली कितने शानदार तरीके से ठीक है तो ये इसकी वैल्यू मैं लिख दी वी आर बाई टू कॉसिटा यानी कि कितना जाएगा यहाँ पे वी आर ठीक है अब वी कॉम बाई की बात करते हैं ध्यान से समझना वीकॉम तो बाई थोड़ा सा और ट्रिकी है ठीक है वी कॉम बाई कैसे सोचा ठीक है देखो वीकॉम वाई सोचने के लिए मैं तुम्हें तो चिताता हूँ ठीक है तुम ऐसा समझो कि एक बार पूरे सिस्टम को इमेजिन करो ठीक है जो हमने ब्रेक ब्रेक किया था उसको हटा दो तो थोड़ी देर पूरे सिस्टम को इमेजिन करो ये एम था ये एम था, था और ये टू एम था ये सुननाती बात पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम पे तो कोई फोर्स ही नहीं है पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखो पूरे ये जो लेफ्ट पार्ट था इसका सेंटर ऑफ़ मास पे बनाया था और जो लेफ्ट कॉम्बिनेशन तो का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया था और राइट कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा तो यानी कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा ये बात समझ आती है और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ से जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या थी वो थी कैपिटल एम इन टू यू डिड बाई कैपिटल एम प्लस टू एम है ना मतलब कैपिटल एम वैल्यू दो किलो है और स्मॉल एम स्मॉल एम की वैल्यू भी एक एक किलो है तो क्या आएगी वी या यू वाई कॉम यू वाई कॉम की वैल्यू क्या आएगी थोड़ा सा जो है मतलब ज्यादा डिफिकल्ट लगा तो ध्यान से सुन लेना एक बार नहीं तो वीडियो रिवाइज करके देख लेना ठीक है तो क्या आएगी वो आएगी टू इंटू टू डिड बाई टू प्लस टू ये टू क्या है कैपिटल एम की वैल्यू ये टू क्या है यू की वैल्यू ठीक है मैं लिख देता हूँ वेरिएबल में लिख देता हूँ नहीं तो विल नॉट वी वंडरस्टैंड ये है एम इंटू यू डिवाइड बाई एम प्लस टू एम ये है ठीक है तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यू बाई मतलब फोर बाई फोर यानी कि वन मीटर पर सेकेंड यानी ये ये जो बीच वाला पॉइंट है है स्पीड मीटर पर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों को भी कॉन्स्टेंट स्पीड वन मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा सोचो है कि नहीं ग्राउंड फ्रेम से ठीक है अगर ये बात समझ में आई तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि बीच जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड ऊपर से ऊपर की से जा रहा है ऊपर की तरफ वन मीटर पर सेकंड इसलिए जो दोनों सेंटर ऑफ मासेज हैं लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन के इनको भी वन मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा हेंस वी कॉम वाई की वैल्यू बना गई अगर ये बात नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके रिवाइंड करके देख लेना ठीक है तो ये आ गया ठीक है देखो वी आर अपना सॉल्व हो गया क्लासिक ठीक है तो वी आर अगर हमारा सॉल्व हो चुका है तो ये देखो ये बन गया टू

एक बार रिलेटिव स्पीड आ गई यही निकालना डिफिकल्ट था इसके बाद प्रोसीजरल मेथड होता है ठीक है अपन कैसे करेंगे देखो वापस से मैंने कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर दिया ठीक है अब मैं वापस जो ब्रेक ब्रेक किया था उसको ज्वाइन कर दिया ठीक है अब हमारा काम खत्म हो चुका है ठीक है तो ये जो है दो किलो की पार्टिकल थी ठीक है दिस वॉज टू के ठीक एंड दिस इज स्म ठीक है विच इज वन के जी मासेज ही लिख देते हैं ठीक वन के जी ठीक है दिस इज ऑल्सो वन के जी ठीक है और वी आर की हम निकाल चुके हैं ठीक है थोड़ा सा लेता हूँ ताकि तो एक सेकेंड ठीक है तो यहां से अगर मैं एंगल इस एंगल को थीटा कहूँ ठीक है तो बेसिकली टू के जी पे टू के जी पे क्या फोर्स लग रहा होगा टू के जी पे देखो एक टेंशन ऐसे जा रहा है ठीक एक टेंशन ऐसे जा रहा है ठीक तो इंटेंशन के एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे तो टू केजी का एक्सलेशन वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा टू टी कॉस थीटा डिवाइड बाय टू दिस इज द एक्सलेशन ऑफ टू केजी इन दी वाई एक्सिस ठीक है एक्स पे तो जीरो है यानी कि टू टू कैंसिल हो गया ठीक तो एक्सलेशन ऑफ टू के जी इन वाई एक्सिस आ गया हमारे पास टी कॉस थीटा ठीक है तो हम अगर टू के पे खड़े हो जाए ठीक है और लेट से इस वाले वन के को देखें तो हमें सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ेगा और उसकी स्पीड हमने बी निकाली हुई है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लेकिन टू के नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है तो टू के पे जब हम खड़े होंगे तो और वन के पे फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो क्या क्या फोर्सेज आएंगे एक ये टेंशन आएगा ठीक है ध्यान करो एम नहीं आएगा क्योंकि हॉर्सोंटल हॉर्सोंटल प्लेन में सब कुछ हो रहा है तो एक टेंशन आएगा और एक शूडो फोर्स आएगी शूडो फोर्स क्या लगाई जाएगी इस तरफ टू के जी का एक्सलेसन डाउनवर्ड वाई एक्सिस पे है इसलिए जी पे अपवर्ड एक्सिस लॉन्ग सूट एक्सिसोर्स आएगी वो क्या आएगी मास ऑफ वन के जी एक्सलेशन ऑफ टू के जी जो कि क्या है टी थीटा ठीक है तो वन के जी पे एक तो टेंशन ऐसा आ गया और एक ये वाई एक्सिस की तरफ फोर्स आ गया इन दोनों फोर्सेस का जो अलोंग दी सेंट्रिपिटल कंपोनेंट है मतलब टू के जी की तरफ वाला कंपोनेंट वो क्या आ जाएगा टी प्लस टी थीटा का जो कि सीडो फोर्स है उसका एक थीटा ठीक है तो टी कॉस थीटा कॉस थीटा दिस विल बीज इक्वल टू एम विच इज वन के जी ठीक है तो यहां से टेंशन की वैल्यू आती है वी upon स्क्वायर अपॉन एल plus cos square थीटा और अब वी आर को जो हमने ऊपर निकाला था उसको कंफर्टेबली यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 4 by वन plus cos का थीटा आएगा सो दिस वुड बिकम एल so, uh, की वैल्यू भी अगर तुम यहाँ पे substitute कर दो एल की वैल्यू हाफ आई हाफ दी गई थी क्वेश्चन के अंदर एट अपॉन वन प्लस थीटा का होल स्क्वायर ठीक है अब ये तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि अगर हमें टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना हो अब जो गिवन पाथ फाइंडर का क्वेश्चन था वो बहुत आसान था उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी वो तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता बट जस्ट टू वेरीफाई अगर थीटा को जीरो कर दें तो यहाँ पे थीटा के लिए बन की तो नीचे आ जाएगा टू का स्क्वायर विच विल बिकम फोर एंड आ जाएगी टू विच इज गिवन आंसर इन बुक तो यू कैन से व्हेन सॉरी ठीक है तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई टेंशन so, की वैल्यू कितनी आ गई न्यूटन इज आंसर गिवन इन सो आई आई होप हैव दिस नाउ विल गिव यू टीजर क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस मैथड ठीक है उसको तुम नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दैट यूजिंग सिंगल वेरिएबल सॉल्व करना मतलब कि uh, जैसे हमने इक्वेशन नंबर थ्री जो निकाली थी उसको यूज करके सॉल्व करना यू विल लव दैट but before that let me share one very useful information with all of you and then i'm going to share it is the question of this week okay so guys i want to tell you about the Vedantu's Eklavya program now let me tell you it is one of the finest programs running in the country right now for jee advanced uh, if you are a serious candidate of jee advanced then i would urge you all to google about it or you know ask about it to any of your seniors who are part of earlier Eklavya. it is one of

नाउ दिस इज द के पी पी वाइज केड्यूल अकॉर्डिंग टू विच बी पोस्ट दीडियोज रिलेटेड टू के पी वाइज यू कैन नोट दिस डाउन एंड चेक अकॉर्डिंगली दिस इज द यूजफुल लिंक जो वेदांतों की टॉपर्स टीम जो भी नए कोर्सेज लॉन्च करती है या कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जेई के पी वाई के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डालते रहते हैं सो यू कैन यू नो सेव दिस लिंक इन योर यू आर Uh, this is the Telegram channel which j 2022 aspirants can join. Uh, we will answer all your queries regarding JE and will also help you out in counseling. This is the if you are a 2023 aspirant, you can note down this URL. Uh, if you are 2024 aspirant, you can you know save this link. Uh, if uh, this is the YouTube channel uh, again by the toppers team of Vedantu. वी अगेन पोस्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जय एनी कोर्सेज दैट वी आर लॉन्चिंग एनी न्यू यू नो लाइक सीरीज और एनी न्यूक यू नो कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू बुट सो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर रहती है सो यू कैन सेव दिस लिंक एंड कीप ऑन चेकिंग इट पिरोली नाउ दिस इज द टीजर क्वेश्चन फॉर दिस वीक सो ऐसा ही एक्जैक्टली एक क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें वेज पे पार्ट ब्लॉग स्लाइड कर रहा था एक्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक इस फिक्स्ड रॉड है ठीक है यहाँ पे इस फिक्स रॉड पे एक बीड है जिसका मास एम है तो ये बीड इस स्लाइड कर सकती है ठीक है इस बीड को एक से हमने एक स्ट्रिंग अटैच कर दी है और यहाँ पे स्ट्रिंग को एक टू एम मास का पार्टिकल अटैच कर, कर दिया है तो स्ट्रिंग की लेंथ एल है एंड इनिशियली स्ट्रिंग इज जस्ट टॉट ठीक है और इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है रॉड इज फिक्स्ड इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन ठीक है रॉड एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स्ड है और ये मोशन वर्टिकल प्लेन में होने वाला है ठीक है अब हमने क्या किया इस सिस्टम को रिलीज कर दिया तो ऑफकोर्स टू एम जो है नीचे जाना शुरू करेगा एंड बिकॉज ऑफ विच जनरेट टेंशन एंड विल कॉज स्मॉल टू मूव ठीक है तो जिस इंस्टेंस पे जैसे कि जब स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई होगी ठीक है तो ये एम भी आगे थोड़ा राइट की तरफ गया होगा तो ये एंगल थीटा की वैल्यू सिक्सटी डिग्री हो गई होगी उस इंस्टेंस पे तुम्हें जो है टू एम की रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है Uh, बीड के फ्रेम में ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन अगेन यू कैन यू वुड हैव डन दिस क्वेश्चन मेनी ऑफ यू वुड हैव डन दिस क्वेश्चन बट आई वुड बी इंटरेस्टेड इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सिंगल वेरिएबल बाय द अप्रोच दैट आई दैट वी हैव डिसकस्ड तो इक्वेशन नंबर थ्री को यूज करके जो हमने डराइव की थी उसको यूज करके यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सिंगल वेरिएबल डोंट यू यूज टू वेरिएबल्स आई एम श्योर यू वुड हैव डन मेनी ऑफ यू वुड हैव डन दिस क्वेश्चन यूजिंग टू वेरिएबल्स बट आई वांट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व इन सिंगल वेरिएबल So, if you can solve this, I would be very happy to see your solution. Okay. So, uh, you can share your share your solution on this email ID. Eklavv is supported with With the subject name Teaser Solution. Uh, teaser Solution and subject name is Physics. So, you can share your solution. And um, uh, I will be very, very happy to reach you out. Thank you, guys. I hope you would have enjoyed today's session. That's all for today. Thank you.